मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके संबंध में सीओ मंदिर सुरक्षा अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है तथा इस वर्ष कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए मुफ्त मास्क का वितरण किया जा रहा है तथा जो लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है तथा जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क पहनाकर मंदिर में आने दिया जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंस का भी पालन करवाने के लिए सामाजिक दूरी का भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल तथा पेयजल की व्यवस्था की गई है तथा ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है, जिससे किसी श्रद्धालु को किसी तरह की समस्या ना हो। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोविड हेल्प डेस्क तथा अस्थायी मेले थाने का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई श्रद्धालु अगर मंदिर में किसी के साथ बिछड़ जाता है तो वह मेले थाने पर आकर वहां से अलाउंस करवाकर अपने परिजनों से मिल सकता है तथा साथ ही वॉलंटियर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है तथा मंदिर में सुरक्षा के दृष्टिगत बाहरी जनपदों से फोर्स को भी मंगाया गया है तथा महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ मंदिर सुरक्षा अंजनी कुमार पांडे ने कहा, मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का इस किसी भी हमारे परिवहन निगम की सुविधा ले सकता है और हमारे परिवहन निगम की सुविधा प्राप्त कर सकता है। जिस किसी भी यात्री को दर्शनार्थी को कहीं दूर दराज जाए और बार बार अनुरोध करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं, यानी हो तो हमारी मदद ले सकते हैं। हमारे परिवहन निगम की तरफ से उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, वह व्यवस्था बनाई गई है। जिस दर्शनार्थी को यात्री को कहीं जाना हो, कोई उनको असुविधा हो, वह इस कैंप पर आकर के संपर्क स्थापित करके हमारे सेवा का अवसर प्रदान करें। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व गोरखपुर में बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर जो मेला मंदिर से गोरखनाथ मंदिर में लगता है, इसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने सबसे पहले तो कोरोना के गाइडलाइंस के चलते हुए मुफ्त मास्क बांटे जा रहे हैं। सब जो अपने मास्क लगा के आ रहे हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है, जिनके पास नहीं है उनको अपने तरफ से मास्क दे रहे हैं। साथ ही साथ दूरी का ध्यान विशेष रखा जा रहा है ताकि आपस में उनकी दूरी बनी रहे।
साथ ही साथ इसके अलावा हमारे यहाँ श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है, किसी प्रकार के अगर कोई भूला भटका आदमी हो उसके लिए खोया पाया एक अपना हमने केंद्र खोला हुआ है और उसके साथ ही थाना गोरखनाथ एक अस्थायी मेला थाना खोला गया है। साथ ही साथ इसके अलावा हमारे पास हमारे वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं जो प्राइवेटली और नॉन सरकारी गैर सरकारी दोनों ही तरह से मदद कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जन सुविधा हो रही हो तो उसको उसके सही जगह पे पहुंचाया जाए और सुचारू रूप से दर्शन जो है लोग कर सकें। देखिए हमारे सबसे पहले जनपद से हमारी फोर्सेस लगाई गई हैं, उसके अलावा इस गोरखपुर जोन से तमाम जो है कि फोर्स दूसरे ज़िलों से भी आई हुई हैं। फोर्स को हमने महिलाओं एवं पुरुषों को ध्यान में रखते हुए लगाया हुआ है ताकि किसी प्रकार की असुविधा महिलाओं को न हो। जनपद एवं गैर जनपद से कुल मिलाकर इतनी पर्याप्त फोर्स लगाई गई है ताकि सबको आसानी से दर्शन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।